एहसान फरामोश शाह परिवार ने दिखा दी अपनी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज जो हमने देखा, जिसमें शाह परिवार साफ शब्दों में नज़र आ गया कि कितना एहसान फरामोश है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा, तो उस पर चर्चा करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी। तो बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शाह परिवार जिसमें सबसे बड़े हैं बापूजी ने अनुपमा का दुख समझा, अनुपमा की पीड़ा को समझा, अनुपमा के असमंजस को समझा कि अभी वो इस कश्मकश में है कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि अनुज ने अभी अल्टीमेट फैसला सुना दिया है, या तो मालती देवी या फिर मैं। और मालती देवी को वो घर से निकाल नहीं सकती, दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आगे जाके अनुज को ही जवाब देना पड़ेगा कि मैं तो तब दुख में था तो तुमने ये क्यों कर दिया अनु, तुम तो मुझे समझती हो। इसलिए अनुपमा सोच रही थी कि क्या करूं, खुद से वो इतना भी नहीं कह पाई शाह परिवार को कि आप दो तीन दिन के लिए मालती देवी को रख लीजिए, संभाल लीजिए। इतना भी विश्वास नहीं था अनुपमा को अपने शाह परिवार पे, मगर बापूजी ने बड़ा दिल करके अनुपमा की बात को समझा और कहा। मगर बाप रे बाप, लेके तो आ गए बापूजी अपने कॉन्फिडेंस पे मालती देवी को घर पे, मगर यहाँ पे बा और वनराज की सेम जो चलती है बातचीत, वही चलना शुरू हो गई। मैं ये सोच रही थी कि चलो बा का एक बार मैं समझ सकती हूँ कि बा ने बोला, बात तो उस सोच से चलती ही आई है कि धर्मशाला नहीं है, खुद के दुख को बहुत बड़ा दुख समझती है, और अनुपमा उस दुख के लिए सब कुछ कर दे, चाहे घर को धर्मशाला बना दे, चाहे बा अपना सारा परिवार लेके अनुपमा के घर पे चली जाए, वहाँ पे अपना डेरा डाल ले, अपने छोटे बच्चों को बड़ों को सबको लेके चली जाए, तब धर्मशाला नहीं है अनुपमा का परिवार, अनुपमा का घर। मगर जब अनुज की माँ को संभालने की जिम्मेदारी आ जाए, वो भी एक ही दिन के लिए या एक दो दिन के लिए, तो बा क्या कहती है, मतलब बा की कहने पे और वनराज के उसके हाँ में हाँ मिलाने में आज मैं सच में हैरान हुई। मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत तो ये लोग बदले होंगे, कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा होगा कि अनुपमा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अनुज ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो अब बारी है हमें रिटर्न करने की, हम इन दिनों जो इतना सब कुछ कपाड़िया हाउस में चल रहा है उसको संभालते हैं, और एक दो दिन के लिए गुस्सा शांत हो जाएगा जब अनुज का, तब मालती देवी वहां पे चली जाएगी। मगर ये तो एक दो दिन के लिए भी मालती देवी को स्वीकार नहीं कर रहे, और कमिंग अप में भी हम देख रहे हैं कि कैसे बात चाय की प्याली पे भी गुस्सा हो रही है। तो ये कौन सा शाह परिवार है दोस्तों, कौन सा अनुपमा का अपना परिवार है, आप ही समझिए। अब अनुपमा को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह ये रिएक्शन आए हैं वो रिएक्शन सही नहीं है। इनको तो पूरी जिंदगी मालती देवी को रखना चाहिए, जितने एहसान अनुपमा ने इन पर किए हैं, जितने एहसान अनुज ने इन पर किए हैं, मगर नहीं, ये एहसान फरामोश माँ बेटा यानी कि वनराज और उनकी बा कभी नहीं सुधर सकते हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.